ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर शुक्रवार को नालागढ़ प्रवास पर पहुंचे। मंत्री ने करोड़ों रुपए की लागत से तैयार अनाज मंडी का विस्तारीकरण व पंचायत भवन का शिलान्यास किया। मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने क्षेत्रवासियों व किसानों को राहत देने के लिए समय रहते बीते वर्ष धान व गेहूं खरीद केंद्र को शुरू किया था, ताकि किसानों को फसल बेचने के लिए परेशानी न उठानी पड़े। उन्होंने कहा कि आज क्षेत्र के किसान बड़ी आसान प्रक्रिया से अपनी फसल को बेच रहे हैं। उन्होंने लंपी वायरस पर कहा कि प्रदेश में लंपी वायरस के आने पर तुरंत टास्क फोर्स का गठन करते हुए मामलों को रोकने पर काम किया। उन्होंने कहा कि वायरस को रोकने के लिए पशुपालन विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द करते हुए तबादलों तक पर रोक लगा दी थी, ताकि गायों व गौवंश को समय रहते बताया जा सके। आज वायरस धीरे धीरे शांत होता जा रहा है। कंवर ने कहा कि वायरस से हुए नुकसान की भरपाई के लिए राहत देने के लिए सरकार मुआवजा देगी। इस मौके पर विधायक लखविंदर राणा, पूर्व विधायक केएल ठाकुर, जिला अध्यक्ष आशुतोष वैद्य समेत अन्य मौजूद रहे। आज एक सब्जी मंडी का जो विस्तारीकरण हुआ है, जिसपे सरकार ने करोड़ों रुपए उसके ऊपर लगाए हैं, और वहीं दूसरी और एक पंचायत भवन है उसका शिलान्यास है जी। तो उस दृष्टि से आज मैं यहाँ पर आया था और आज कार्यक्रम किया जाएगा। जैसे मक्की है तो जो और धान भी है, तो सरकारी जो उसमें जो आपकी दवाइयाँ आ रही हैं वो काम नहीं कर रहे, तो इसके बारे में क्या? नहीं, ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। अभी भी पहले आपसे पहले किसी मिले हैं जी, जिन्होंने कहा है अगर ऐसी बात है तो इसके ऊपर छानबीन की जाएगी, लेकिन ऐसी अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट हमें कहीं से नहीं मिली है। लेकिन अगर मिली है तो निश्चित रूप से इसके सैंपल को जो है वो टेस्ट कराने के लिए भेजेंगे, कार्रवाई होगी। किसानों को कुछ मुआवजा भी कुछ अगर होगा तो ना जी, पहले हम इसका सैंपल्स लेकर के इसका टेस्ट करवाएंगे। मैं अभी बात विभाग से बात करूंगा, अगर है तो गलत है और इसके ऊपर कार्रवाई होगी। लंपी वायरस के आप देख रहे हैं कि जब से हिमाचल प्रदेश के अंदर लंपी वायरस आया है, सरकार ने पहले दिन से ही बड़ी गंभीरता से हमने विचार किया, बैठक की, टास्क फोर्स बनाई, जहाँ से भी ये वायरस रिपोर्ट होता है विभाग तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करे। वहाँ पर अगर स्टाफ की शॉर्टेज है तो दूसरी जगह से डिप्यूट होगा। हमने डॉक्टर्स की, अपना फार्मासिस्ट की, हमने छुट्टियां भी रद्द की, हमने तबादले भी जो थे उसके ऊपर रोक लगाई, और सख्त हिदायत दी गई कि दवाइयां भी फ्री दी जाएंगी, वैक्सीन भी जो है वो फ्री दी जाएगी। किसी तरह की कोई कोताही अगर बरतेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन विभाग ने बहुत अच्छा काम किया, विभाग ने बड़ी, कहीं से भी मैं ये आपके माध्यम से ये बात कह रहा हूँ कि एक दो केस को छोड़ करके कहीं से भी कोई शिकायत नहीं आई। अगर किसी ने टेलीफोनिकली मुझसे भी बात की तो मैंने तुरंत डिप्टी डायरेक्टर या डायरेक्टर से बात करके मैंने टीम को वहाँ पर भेजा, और उसके कारण जो परिणाम आए हैं वो बड़े सुखद है। धीरे धीरे वायरस जो है उसको शांत होता जा रहा है। जो नुकसान हुआ है किसान का, हमने इसको एपिडेमिक डिक्लेयर किया है, और इसको जो है रिलीफ मैनुअल के तहत इसका मुआवजा सरकार देगी। ठीक है, इसके ऊपर विचार कर लेंगे। नहीं है वो भेज, यहाँ पर सिर्फ सर्जन नहीं है, सॉरी जनरल फिजिशियन तो है। हाँ, तो जैसे ही ज़रूरत होगी तो हम उसको पूरा करेंगे। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।